हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही काम की टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने किचन के काम बहुत ज़्यादा आसान कर लेंगे और अपना टाइम भी बचाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। तो देखिए, यहाँ पे पहली टिप है मेरी इन पॉलीथीन को लेके, जो अक्सर हमारे घर में एक्स्ट्रा हो जाती है। जब भी इसमें कोई सामान वगैरह आता है, सब्ज़ी वगैरह आती है, फ्रूट वगैरह आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये बच जाती हैं और हम इन्हें फेंक देते हैं। तो इनका एक बहुत ही अच्छा मैं रीयूज़ बता रही हूँ आपको। इस तरीके से देखिए, हमारे पास डिब्बे वगैरह घर में आते हैं जिसमें कोई भी क्रॉकरी वगैरह आती है, तो हम इन्हें फिर से कैसे यूज़ कर सकती हैं। देखिए, इनको बिल्कुल भी ना फेंकें आप। इनको देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ पे एक कटर की हेल्प से यहाँ पे इस तरीके से कट लगा लूँगी। अगर कटर नहीं हो आपके पास तो आप ब्लेड वगैरह से बहुत ही ज़्यादा सावधानी से या छुरी से भी ये काम कर सकती हैं, नाइफ से। फिर देखिए, यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है और देखिए इस तरीके से इसमें एक गैप हो गया है। अब जो हमने पॉलीथीन ली थी उनको हम एक के ऊपर एक रख के, हमने देखिए इस तरीके से इनको, मैं दिखा देती हूँ फिर से, इस तरीके से एक के ऊपर एक रख के हमें इसे इस तरीके से बस फोल्ड करना है और इस बॉक्स के अंदर हम फिट कर देंगे। तो आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े, जैसे पॉलीथीन की फिर से आप यूज़ करें किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस तरीके से देखिए यहाँ से पॉलीथीन निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको किचन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा भी लगेगा, मैसी भी नहीं होगा और आपका काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बार ज़रूर यूज़ करके देखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कैसे किचन को हम साफ़ सुथरा रखेंगे। जैसे वेजिटेबल्स कट करते हैं उसके लिए देखिए, यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ले लिया है इस तरीके का, अक्सर घर में होते ही हैं। और इनको कैसे यूज़ करें, हम जैसे सब्ज़ी वगैरह काटते हैं तो देखिए इस बॉक्स को यूज़ करेंगे हम। इसका जो ढक्कन है इसको हम चॉपिंग बोर्ड के नीचे दबा देंगे और कोई भी कूड़ा वगैरह होगा कटिंग वेजिटेबल्स की हम इसके अंदर डाल देंगे। और आप इस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं। अब देखिए मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। कोई भी आप वेजिटेबल कट करें और आप किचन मैसी मैसी सा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए क्या करें, देखिए आपके पास जो भी कूड़ा वगैरह हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं और 2-3 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको फेंक दें, फिर यूज़ कर लें और उसके बाद आप इस डिब्बे को फेंक दीजिए, आप फिर से दूसरा डिब्बा ले लीजिए। बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं ये डिब्बे, तो इनको बिल्कुल भी ना फेंकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पे देखिए, अक्सर क्या होता है, हम ये बोल होता है इसमें हम स्पून से कुछ भी मिक्स करते हैं तो ये चम्मच जो स्पून होता है वो उसमें गिर जाता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस स्पून में एक इस तरीके से रबर बैंड लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 4-5 बार आप इसे फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे आप कुछ भी मिक्स करेंगे और इसको स्पून को इस तरीके से आप रखेंगे तो देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है ये। और यहाँ पे देखिए आपका काम कितना आसान हो जाएगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से आप स्पून के संग ये और रबड़ बैंड के संग ये करके ज़रूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट टिप है मेरी इस रबड़ बैंड को ही लेके। अक्सर क्या होता है, हम लोग रबड़ बैंड या घर में रख लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपस में चिपकने लगते हैं रखे रखे, तो इसके लिए हम रबड़ बैंड के ऊपर कोई भी टेलकम पाउडर लगा देंगे। टेलकम पाउडर ना लगाएं तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा भी लगा के रख सकते हैं, लेकिन टेलकम पाउडर तो अक्सर सबके घरों में होता ही है, तो आप इसे इस तरीके से रख दीजिए। ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बहुत टाइम तक ऐसे ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अक्सर हमारे घर में देखिए ये सिल्वर फॉइल होती है और ये इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, यदि ये डबल टेप ले रही हूँ मैं यहाँ पर, आपके पास अगर डबल टेप नहीं हो तो आप ज़रूर घर में रखें, बहुत काम की चीज़ होती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक लेयर ले ली है इसकी और इसे मैं टाइल्स पे लगा दे रही हूँ। देखिए दोनों तरफ इसकी चिपकन होती है तो आप एक तरफ से चिपका दें, दूसरी तरफ से हटा दें। अब यहाँ पे सिल्वर फॉइल के डिब्बे को इस तरीके से हम इस पर लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये लग गया है, अब आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसकी। देखिए बस आप इस तरीके से इसे निकालिए और यहीं से इसे कट कर लीजिए। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, अच्छे लगे हो तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट टिप है मेरी चॉपिंग बोर्ड को लेके। अक्सर हम कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह काटते हैं इसमें तो ये बहुत ज़्यादा हिलता है और कटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है,
तो यहाँ पे रबड़ बैंड को देखिए मैं इस तरीके से दोनों साइडों में इसे फिट कर दूंगी। तो फिट करने से क्या होगा, ये चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल एकदम से सेट हो जाता है। अब मैंने इसे काफ़ी हिला के देखा, ये नहीं हिल रहा था। हाँ बस मेरा थोड़ा सा कैमरा हिल गया था, पर ये चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। बेफिक्र रहे आप, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो ऐसी ही वीडियोस आपको अगर चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।